है गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो बनाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जहां पर मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से, कुछ ऐसे स्कैम से जो कि उन लोगों के साथ किए जाते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस या इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। गाइस, अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं, किसी गाँव में रहते हैं, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ के लोग कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो गाइस इंटरनेट की दुनिया में जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम होते हैं, वो वैसे तो ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि दोस्तों जो ये घटना घटी, जो ये इवेंट हुआ, ये ऑफलाइन हुआ। तो गाइस यहाँ पर ये जो फ्रॉड हुआ, ये हमारे गाँव के बगल में एक पेट्रोल पम्प के पास हुआ। तो गाइस वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर पेट्रोल पम्प पर स्कैमर्स ने एक स्कीम लॉन्च करी कुछ टाइम के लिए, जो कि एक फिक्स टाइम के लिए थी, जैसे हम लोग ऑफर्स निकालते हैं ना एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, तो इसी तरीके से स्कैमर्स ने एक स्कीम लगा दी कि आप अपना स्मार्टफोन लेकर के आइए और 50 रुपये का पेट्रोल लेकर के जाइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी शायद घटी हों, या हो सकता है फ्यूचर में ऐसे केस आपको देखने को मिले जहां पर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना स्मार्टफोन लेकर के आइए और 50 रुपये का पेट्रोल या 100 रुपये का पेट्रोल आपको दे देते हैं। तो गाइस वहां पर जो स्कैमर थे वो क्या कर रहे थे, वो विक्टिम से उसका फ़ोन नंबर ले रहे थे और उसका फ़ोन नंबर लेके उस फ़ोन नंबर पर एक OTP भेज रहे थे और OTP लेने पर वो उसको 50 रुपये का पेट्रोल दे देते थे। तो गाइस उन्होंने जो ये स्कीम निकाली कि 50 रुपये का पेट्रोल लेकर के जाइए, अपना फ़ोन नंबर देकर के जाइए, उस फ़ोन नंबर पर वो लोग OTP भेजते थे और वो OTP उनको बताना होता था। तो गाइस यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर उसको दे रहे हो और ऐसे में स्कैमर आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP भेज रहा है। अब OTP भेजने का मतलब आप समझते हैं, वो आपके सिम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उसको कहीं भी जाकर के एक्सेस कर सकता है अगर आपने वो OTP उसके साथ शेयर कर दिया। वहीं हो रहा था उस पेट्रोल पंप पर। तो वहाँ पर क्या होता था, जो स्कैमर था वो विक्टिम से उसका स्मार्टफोन मांगता था और उसमें वो अपना OTP भेजता था, और जब विक्टिम के पास आया, OTP उसके पास चला आता था, तो ऐसे में वो 50 रुपये का पेट्रोल उसको दिलवा देता था, उसको सप्लाई कर देता था। तो ऐसे में गए बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ लग गई, और ऐसे में सभी के नंबर उसके पास चले गए और उसने सभी के नंबरों पर अपना OTP भेज दिया और OTP मिलने पर वो उसको थोड़ा थोड़ा सा पेट्रोल दे रहे थे। तो गए सोचने वाली बात तो ये है, यहाँ पर जो स्कैमर है वो आपके साथ में दो दो स्कैम कर रहा है। एक तो वो आपका फ़ोन नंबर आपसे ले रहा है और दूसरा उस पर OTP भेज रहा है। एक तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो जो आपका फ़ोन नंबर लेके जा रहा है, आप अपना फ़ोन नंबर उसको दे रहे हो, तो उस फ़ोन नंबर का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर उन नंबरों का गलत इस्तेमाल भी होता है, और ऐसे में जब गलत इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा कौन जाएगा, ऑब्वियसली आप पकड़े जाएंगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर स्कैमर ने पहले तो विक्टिम के साथ उसका फ़ोन नंबर ले लिया, अब उसके बाद में उसके फ़ोन नंबर पर OTP भेजता है और वो OTP भी बताना है। तो गाइस आप खुद से सोचिए, जो OTP आता है वो कुछ वैलिड टाइम के लिए होता है, जैसे 1 मिनट के लिए होता है, 5 मिनट के लिए होता है, तो ऐसे में वो OTP किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इससे पहले भी OTP आए होंगे आपके स्मार्टफोन, और उस पर साफ साफ जो OTP वाला मैसेज होता है उस पर लिखा होता है कि जो OTP आया हुआ है इसे किसी के साथ शेयर ना करें, OTP को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। और आप उस OTP को ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना आप उसको जानते हैं, ना उसका घर पता है, और ऐसे में बिना जान पहचान के आप अपना OTP उसके साथ शेयर कर देते हो। और जैसे ही आपके फ़ोन नंबर पर आया OTP उसके पास जाता है, तो आप ये तो मान लीजिए कि आपकी सिम का जो एक्सेस है, जो कंट्रोल है, वो सारा उसके पास चला जाता है। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, हैकिंग की दुनिया में एक टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है जिसका नाम है फिशिंग। जी हाँ दोस्तों, फिशिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। तो गाइस जो फिशिंग टेक्निक यूज करी जाती है किसी को हैक करने के लिए, किसी के डेटा को चोरी करने के लिए, तो फिशिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि गाइस जो मछली होती है, मछली को पकड़ने के लिए शिकारी उसमें जाल डालता है, और जाल डालता है तो जाल के साथ में उसमें कुछ दाना भी डालता है ताकि मछली उस दाने को खाने आए, और दाना खाने जैसे आती है वो मछली जाल में फंस जाती है। तो गाइस इसी तरीके से हैकर्स भी आपके डेटा को चोरी करने के लिए, आपके कंप्यूटर को हैक करने के लिए आपके साथ भी फिशिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर ये हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल देने के चक्कर में वो आपसे आपका फ़ोन नंबर ले रहा था, और सिर्फ फ़ोन नंबर नहीं ले रहा था, उस पर OTP भेजकर उस फ़ोन नंबर का, उस सिम कार्ड का पूरा एक्सेस और कंट्रोल भी ले रहा था। तो गाइस इस केस में भी विक्टिम के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा था, उसको थोड़ा सा पेट्रोल देके उसका फ़ोन नंबर, उसके डिटेल्स लिए आ रहे थे। अब गाइस इसके बाद में आप खुद से सोचिए, अगर आप किसी को अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, अपना OTP दे रहे हैं, तो ऐसे में वो तो आपकी सिम का गलत इस्तेमाल करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। जैसा कि आपको भी पता है, मतलब कि इस दुनिया में कोई कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो ऐसे में कोई आपको 50 रुपये का पेट्रोल फ्री में क्यों देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको सोचना चाहिए कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है, वो आपसे आपका नंबर लेके जा रहा है, उस पर OTP भेज रहा है, OTP भेजने पर तो आपकी सिम का पूरा एक्सेस कंट्रोल उसके पास चला आएगा, तो ऐसे में आपको क्या है पेट्रोल लेना उचित रहेगा,
क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा दोस्तों, तो ऐसे में आपको आगे से अवेयर रहना है। तो फ्यूचर में अगर आपको आगे और भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो ऐसे में आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है अगर आपका डेटा किसी के साथ शेयर हो जाता है तो ऐसे में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे चार्ज कर सकता है या आपको किसी भी इलीगल कामों में फंसा सकता है। तो गाइस अब अगर आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप भी किसी ऐसे एरिया में रहे हैं जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आपने भी पेट्रोल लेने के चक्कर में अपना फ़ोन नंबर या अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर किया है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है आपको गूगल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा करके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर चले आना है, यहाँ पर सर्च करना है साइबर क्राइम और इसके बाद में इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, तो इस वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करके आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, जो स्कैम हुआ, इसके बारे में आप यहाँ पर कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे से आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। गाइस आप हमेशा ध्यान रखिए आपका जो फोन नंबर है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है या आपके फोन का जो आईपी एड्रेस होता है, इसके अलावा जो पासवर्ड होते हैं वो किसी के साथ भी कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए, और जो ओटीपी होता है उसको तो कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। तो गाइस आपको भी पता होगा जब आपके स्मार्टफोन में ओटीपी आता है तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि ये ओटीपी जो आया हुआ है इसको किसी के साथ शेयर ना करें, ये आपका प्राइवेट होता है, इसको आप किसी के साथ भी शेयर मत करें। तो आगे से आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल द सीएस वाला को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम होने वाली घटनाओं से मैं आपको अवेयर करता ही रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए द सीएस वाला के साथ। नमस्कार।